परिवार पार्टी के आदेश में पूरे वार्ड के अंदर एक पद यात्रा की गई डोर टू डोर। सारे लोगों को बताया गया कि 20 तारीख को इलेक्शन होने वाला है, उसमें दो नंबर बटन पाले मामा की निशानी है तुतारी। तो इस हिसाब से आज पूरा प्रोग्राम रखा गया था, इसके अंदर मोहल्ले के लोग काफी तादाद में सारे लोगों ने आए 6 बजे से लेके। अच्छा, यहाँ पर डोर टू डोर फरूख भाई ने सभी को मिलकर निशानी के बारे में बताया, जो बालिया मामा की कंफ्यूज निशानी है हमारे लिए, जो ये बताया गया कि मतलब ये तुतारी जो है आदमी बजाता हुआ, जो आदमी बजा रहा है वो तुतारी की निशान पे बटन दबाना है, बटन दबाना है। मेरे 70 नंबर स्कूल और गुलजार नगर के तमाम निवासियों से गुजारिश है कि 20 तारीख को दो नंबर बटन तुतारी बाल्या मामा, ये यार के भाइयों सारे लोग अपने अपने घर का पहले आज में पहले अपने अपने घर का वोट निकाल के सब लोग डलवाइए, और दो नंबर बटन तुतारी बजाता हुआ आदमी। आज सभी लोगों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में मोहल्ले में सबको घर घर जाके निशानियां बताइए। ये लड़ाई जो है ये देश बचाने की लड़ाई है, ये संविधान बचाने के लिए है, ये हम सब की लड़ाई है। और एक चीज सुन लो भाइयों, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। मुझे गुजारिश है कि आप अपना कीमती वोट बालिया मामा तुतारी के निशान पे दे। इंडिया अलायंस का कैंडिडेट बालिया मामा, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, शिवसेना, कांग्रेस, सारी पार्टी अलायंस होकर इस वक्त बीजेपी को हराने के लिए मैदान में उतरी है।
मात्रे बालिया मामा, तो आप लोग अपना कीमती और सोच समझ कर कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस उसे आराम से देख के समझ के और दे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पार्लियामेंट का इलेक्शन चालू है, तो आज समाजवादी पार्टी की तरफ से आदेश हुआ कि वार्ड नंबर 10 के अंदर एक बालिया मामा राष्ट्रवादी पार्टी के कैंडिडेट है, जिनकी निशानी उतारी है। तो आज पार्टी के आदेश पूरे वार्ड के अंदर एक पद यात्रा की गई डोर टू डोर। सारे लोगों को बताया गया कि 20 तारीख को इलेक्शन होने वाला है, उसमें 2 नंबर बटन बालिया मामा की निशानी है उतारी। पूरा प्रोग्राम रखा गया था, इसके अंदर मोहल्ले के लोग काफी तादाद में सारे लोगों ने आए। 6 बजे से लेके 9:30 तक ये प्रोग्राम हुआ। मैं विधाननगर के सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो आज बालिया मामा इनके आदाज को जिताने के लिए आज इतनी तादाद में लोग आए। आज इतनी समझ में चीज आई जिस हिसाब से लोगों के अंदर जज्बा है, तो वो हिसाब से लगता है कि ये रेल आदाज जो है भिवंडी शहर में 100% ऐसी चीज है। और मैं उसी के साथ में मेरे आए हुए सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे नेता माननीय श्री अबू आसिम आजमी साहब, आमदार साहब और पूरी समाजवादी पार्टी के लोगों का मन से जीत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। आज वार्ड नंबर 10 में हमारे आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए अरुण भाई ने बहुत दमदार डोर टू डोर कैंपेनिंग की। डोर टू डोर कैंपेनिंग में वार्ड नंबर 10 के सभी जिम्मेदार लोग मौजूद रहे वहाँ पर, और एक अच्छा यहाँ पर डोर टू डोर फरूख भाई ने सभी को मिलकर निशानी के बारे में बताया, जो बालिया मामा की कंफ्यूज निशानी है हमारे लिए। जो ये बताया गया कि मतलब ये सुतारी जो है आदमी बजाता हुआ, जो आदमी बजा रहा है वो सुतारी की निशान पे बटन दबाना है, बटन नंबर 2 है। पूरे वार्ड में बहुत ही धूमधाम से रैली निकाली गई और बहुत ही धूमधाम से प्रोग्राम हुआ। बहुत ही बढ़िया फरूख भाई ने इंतजाम किया और सभी लोगों को इकट्ठा करके सभी वार्ड के लेडीज लोग को डोर टू डोर, जेंट्स लोग को दुकान वगैरह सभी जगह फरूख भाई गए और सभी को ये बताया गया कि मतलब तुतारी के 2 नंबर जो बटन है वो तुतारी का आदमी बजाता हुआ तुतारी सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए, तो सभी लोगों को बताया गया। और हमने पूरे वार्ड का घूमे, पूरे वार्ड में डोर टू डोर कैंपेनिंग की है। लगभग 4 घंटा हम लोगों ने कैंपेनिंग की है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा फरूख भाई का। आज वार्ड नंबर 10 में फरूख भाई ने डोर टू डोर कैंपेनिंग रखा था। ये 6 बजे से 10 बजे तक का रखा गया था। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। वार्ड नंबर 10 में मेरी माँ बहने और मेरे भाई बुजुर्ग जितने भी थे, पूरे घर घर जाके दुकानों पे रोड पे चलते हुए लोगों को ये लोकसभा इलेक्शन की तैयारी की है। और इसमें हमने अपनी भिंडी सेम इंडिया अलायंस के कैंडिडेट बालिया मामा, जिनका नाम है बालिया मामा, उनकी निशानी है तुतारी, आदमी बजाता हो तुतारी, इस पर ध्यान दीजिएगा। और ये 2 नंबर बटन है। और हमारे फर्रुख भाई ने ये सभी से रिक्वेस्ट किया है घर घर जाके कि 2 नंबर बटन दबाए तुतारी पे और बालिया मामा को अपनी जिता के लाए, क्योंकि भाजपा की बीजेपी वालों की इतनी ज़्यादा दादागिरी हो गई है कि हमारे संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं कि 400 पार। तो हमें संविधान को बचाना है, हमें अपने बच्चों को बचाना है आने वाले दिन में।
सके। इसके लिए अब की बार इंडिया एयरलाइंस की सरकार और आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाले टाइम में 20 मई के दिन, वोटिंग का दिन है 20 मई, जिसमें निशानी है आदमी बजाता हुआ तुतारी, सुबह उठे अपना वोट डाले, अपने पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, मोहल्ले वालों का, ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाले।